हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टॉप 10 क्लासेस की कण बैच में। मैं आपका साइंस मेंटर, साइंस की दुनिया में कक्षा 9 के प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो की क्लास में बताएंगे प्यारे बच्चों कि कक्षा 9 की प्रिपरेशन कैसे किए जाए कि आपको 90% नंबर मिल जाए। प्यारे बच्चों, और कक्षा 9 के क्या सिलेबस हैं, कक्षा 9 की साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, उन सब के बारे में बताएंगे डियर स्टूडेंट। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो और अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े होंगे प्यारे बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, आइए आज की सिलेबस ओवरव्यू हम लोग जानते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो चलिए, सबसे पहला आपका चैप्टर है प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान में सबसे पहला आपको पढ़ना है हमारे आस पास के पदार्थ। डियर स्टूडेंट, हम लोग जहाँ मौजूद हैं, हमारे आसपास कई प्रकार के पदार्थ हैं, उनके बारे में पहले चैप्टर में बताया जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे प्लास्टिक हो गए, रबड़ हो गए, ये सब क्या हैं, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा डियर स्टूडेंट। दूसरा चैप्टर क्या है, क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध है या नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपको दूसरे अध्याय पढ़ना है। क्या हमारे आसपास के वातावरण में जो भी उपस्थित पदार्थ हैं वो शुद्ध है, इसके बारे में डिटेल से सरल भाषाओं में हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों। तीसरा चैप्टर क्या है, परमाणु एवं अणु प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग परमाणु एवं अणु के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। कौन से अध्याय, अध्याय 3 है प्यारे बच्चों। अध्याय 4 क्या है, परमाणु की संरचना, यानी परमाणु बनती कैसे है, परमाणु की संरचना कैसी होती है, इन सब का अध्ययन हम लोग चौथे अध्याय में करेंगे प्यारे बच्चों। और पांचवा अध्याय क्या है, जीवन की मौलिक इकाई, यहाँ से आपके जीव विज्ञान स्टार्ट हो जाते हैं प्यारे बच्चों। यानी ये चार चैप्टर आपकी केमिस्ट्री में पढ़ना है, ये चार चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, और ये चार चैप्टर आपको किस में पढ़ने हैं, बायोलॉजी में पढ़ने हैं। ठीक, तीन ही चैप्टर है प्यारे बच्चों। क्या है, पांचवा चैप्टर आपको पढ़ना है जीवन की मौलिक इकाई, छठवां क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, छठवां आपको पढ़ना ऊतक के बारे में, क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, ऊतक के बारे में। सातवां अध्याय क्या है, जीवों में विविधता, यानी आपको जीव के बारे में पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों कि जीव यहाँ कितने कैसे होते हैं, कैसे क्या होता है, हर एक जीव के बारे में हम लोग सातवें अध्याय में अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से आपका आठवां अध्याय स्टार्ट हो जाता है, गति के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। जैसे ये आज से हम लोग जानते हैं, जरा सा गति के बारे में जान लेते हैं हल्का फुल्का सा, फिर उसके बाद सारी जानकारी सरल भाषाओं में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तब जानेंगे प्यारे बच्चों। और एक बात आप ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, आप इस पे कर्ण बैच में आप कंटिन्यूटी बनाइए प्यारे बच्चों। अगर आप कंटिन्यूस लगातार क्लासेस लेते रहेंगे तो आप से 99% वादा है प्यारे बच्चों, आप अपने क्लास में एक अच्छा सा परफॉर्मेंस कर पाओगे प्यारे बच्चों, एक अच्छा सा मार्क लाओगे, एक अच्छा सा अपना छाया बनाओगे प्यारे बच्चों अपनी क्लास में, इस कण बैच से क्लास लेकर अटेंड करके प्यारे बच्चों एक अच्छा सा मार्क उठाओगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपका आठवां अध्याय आपने जान ही लिया, गति के बारे में अध्ययन करना है। गति क्या होता है कि जैसे आप देखे होंगे सड़क पर चलती हुई वाहन, एक समय देखते होंगे कि यहाँ पर है, पर एक दो समय बीतता होगा, एक दो सेकंड बीतता होगा, तो वो वाहन कहीं और चली जाती होंगी, थोड़ी सी आगे चली जा रही हैं, तो वो गति कर रही हैं। तो इन सब का अध्ययन हम लोग आठवें अध्याय में करेंगे प्यारे बच्चों। नौवां अध्याय क्या है, बल, व्हाट इज फोर्स, यानी जब किसी को हम लोग ठेलते हैं, किसी को हम लोग ढकेलते हैं, वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ये देखिएगा, जब हमने इसको पुश किया, इसको ठेला, तो ये जो ठेलना हुआ वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। बल और गति के नियम के बारे में हम लोग नौवें अध्याय में अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। और ये आपसे एक वादा करते हैं कि इतनी सरल लैंग्वेज में आपको बताएंगे डियर स्टूडेंट कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। और जो चीज़ें आपको चैप्टर के दौरान नहीं समझ में आती प्यारे बच्चों, आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उस नंबर पे आप जो है अगर
व्हाट्सएप नंबर है प्यारे बच्चों, अगर आप उस जो आपका डाउट रहेगा उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मिल सकता है, अगर आपको उसका टेक्स्ट रूप में चाहिए वो भी मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और हर एक बच्चों का कमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा डियर स्टूडेंट। आगे की तरफ चलते हैं, अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों। जैसे आप लोग सोचिए, कभी एक इमेजिन कीजिए कि किसी जंगल में बैठे रहते हैं, किसी बगीचे में बैठे रहते हैं, किसी गार्डन में बैठे रहते हैं, तो आपके मन में विचार उठता है जैसे मैच खेलने गए बगीचे में, गेंद को जब ऊपर की तरफ उछाला जाता है, जब गेंद को हम लोग ऊपर की तरफ उछालते हैं, जैसे हमने इस मार्कर को ऊपर की तरफ उछाला तो ये क्यों मार्कर ऊपर नहीं जाती बल्कि मार्कर जमीन पे आके गिर जाती है, तो वो किसके कारण होता है? वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है जिसके कारण किसी भी वस्तु, जो ऊपर कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाती है इसको अपनी तरफ सूं से खींच लेता है बच्चों। तो पूरे गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग 10वें अध्याय में जानकारी लेंगे प्यारे बच्चों। 11वां अध्याय क्या है डियर स्टूडेंट? 11वां अध्याय है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, यानी कार्य क्या होती है, कार्य कैसे करते हैं, कार्य को परिभाषित कैसे करेंगे, तो कार्य शक्ति ऊर्जा इन सब तीनों चीजों का अध्ययन हम लोग 11वें अध्याय में करेंगे एकदम सरल भाषाओं में प्यारे बच्चों। अगला अध्याय है 12 जो होती है ध्वनि। अब जो हमारे कानों को सुनाई दे रही है, हम लोग बोल रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, जो भी हमारे कानों को सुनाई देती है वो ध्वनि कहलाती है। तो ध्वनि क्या होती है, ध्वनि कैसे चलती है, ध्वनि के प्रकार क्या होते हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग अध्याय 12 में करेंगे प्यारे बच्चों। आपका 13वां अध्याय आता है हम बीमार क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसका अध्ययन हम लोग 13वें अध्याय में करेंगे, हम बीमार क्यों पड़ते हैं प्यारे बच्चों। 14वां अध्याय है प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदाएं, यानी जैसे भूकंप हो गए, तूफान हो गया, उसके बाद आपका ज्वालामुखी फूटना हो गए, उसके बाद बाढ़ आना, ये सब प्राकृतिक संपदाएं कहलाती, यानी प्रकृति के द्वारा जो प्रकृति पे आधारित घटनाएं होती हैं प्यारे बच्चों, उन सब के बारे में डिटेल से एकदम इजीली लैंग्वेज में प्यारे बच्चों हम लोग इसका अध्ययन करेंगे 14वें अध्याय में। लास्ट अध्याय आता है खाद्य संसाधनों में सुधार, यानी प्यारे बच्चों इस आपके इसी चैप्टर के साथ कक्षा 9 की साइंस हम लोग समाप्त कर लेंगे प्यारे बच्चों। और साइंस का जो आपका ये जो साइंस का ये सिलेबस है प्यारे बच्चों, वो आपको समय से समाप्त कर दिए जाएंगे, ये भी नहीं कि ज़्यादा लेट तक हम लोग लेके जाएंगे प्यारे बच्चों। और इस प्रकार से आपके जो अध्याय 15 हैं, वो जो 15वां अध्याय है, वो आपके जो पाठ्यक्रम है वो आपको दिखा दिए गए हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो प्यारे बच्चों। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर इस वीडियो को देख लिए होंगे प्यारे बच्चों, तो एक काम आप लोग भूल जाते हो प्यारे बच्चों, एक लाइक करना, एक शेयर करना प्यारे बच्चों, तो दोनों ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हम लोगों को एक प्रकार की एनर्जी मिलती है प्यारे बच्चों, वीडियो और अच्छे से आपको समझाने का, अच्छे से पढ़ाने का एक एनर्जी मिल जाता है प्यारे बच्चों। तो आपको मिलते हैं कण बैच में, अब जब भी मिलेंगे तो आपके एक नए सिरे से एक नए चैप्टर को लेकर आएंगे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू प्यारे बच्चों।